नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा गेम प्ले है, जिस गेम के हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है लियाला एंड शैडो ऑफ द वॉर। तो 2016 के में ये गेम लॉन्च हुआ था और इसको न जाने कितने अवार्ड मिले हुए हैं गेम को। तो ये जो कहानी है, सही घटना पर बनी हुई है, तो ये भी एक रीज़न है मुझे इसका गेम प्ले करने पे मजबूर कर रहा है। और बहुत लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा था इसे अपलोड करने का, रिकॉर्ड करने का। तो शुरू करते हैं आज के दिन बातें कम और करते हैं गेम प्ले की शुरुआत, क्योंकि स्टोरी शायद इस गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लियाला एंड द शैडोज ऑफ वार, जो कि सही घटना पे बनी हुई है गेम। और आप इसको अगर अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और अंधेरे में खेलिए, यानी थोड़ा डार्क कमरे में। मैं हाल फिलहाल अपना ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। लियाला एंड द शैडो ऑफ वार की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, हम लोग पता नहीं कहाँ पर हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर हाल फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पीछे वायर है, कोई बड़ा शहर लग रहा है, कोई मस्जिद दिख रही है। लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल आई है यहाँ पर और शायद मेरे ख्याल से युद्ध की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है यहाँ पर। हमारे शहर पर युद्ध हो चुका है, हमले की शुरुआत हो चुकी है। मैं हाल फिलहाल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन कैरेक्टर जो भी इसका नाम होता है, नाम भी पता नहीं है यहाँ पर। देखिए, एक और अटैक हुआ है हमारे जावा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, नीचे उतरना मना है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं फायरिंग लगातार हो रहा है यहाँ पे। अब हाल फिलहाल मैं जहाँ पे गैप मिल रहा है, मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे कोई शाइन आया है, मैंने उस पर क्लिक किया है। मेरे ख्याल से इसको कवर करना होगा। ये हो सकता है हमारा घर हो, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे की तरफ ऑप्शन आ गया है रुकने का। तो हाल फिलहाल मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, कवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। हमारे घर में मुझे लग रहा है कोई घुसा हुआ है, और हो सकता है नए कैरेक्टर की यहाँ पर शुरुआत हो। लियाला मुझे दिखी नहीं है अभी तक, लियाला अभी तक मुझे दिखी नहीं है। हाल फिलहाल मेरा कैरेक्टर ही यहाँ पर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको पूरी तरह से अंदर डालते हैं, जहाँ तक जा रहा है डालते हैं। और ये देखिए, पुश दिया है हमारे कैरेक्टर ने उसको, और साइन आ रहा है कुछ दरवाजा खोल के अंदर जाने का। और ये लियाला और उसकी मम्मी है, और फिर से अटैक हुआ है, बचना होगा उन लोगों को। अरे डैडी डैडी, बेटा तुम भागो, मैं तुम्हें यहां पे फॉलो करूंगा, और लियाला का ध्यान रखना। हम ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। यहाँ पे बातचीत हुई है दोनों परिवारों के बीच में, और हम लोग यहाँ पर निकले हैं। लियाला और उसकी मम्मी आगे जा चुकी हैं, तो मैं हाल फिलहाल उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। और ये देखिए, बच गए हम लोग बहुत मुश्किल। फिर से अटैक हुआ है, फिर से बचे हैं। अरे बहुत भयंकर, बहुत भयंकर यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल फिलहाल कुछ स्क्रीन पर हुआ नहीं है मेरे लिए, बहुत चमत्कार की बात है। यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? अरे बाप रे, अरे बाप रे, यहाँ पे कुछ हुआ है, अंधेरा हो गया है पूरे रास्ते में। उन्होंने पावर डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरे शहर का। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? लाइट बॉम्ब आ रहा है, ड्रोन आ रहा है देखने के लिए, कोई यहाँ पर है तो खत्म कर दो उसको। हमारे को साइन मिल गया है छिपने का, हम छिप जाएंगे यहाँ पे। ओ तेरी, एक बार बचे। ड्रोन अभी भी आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। वो लाइट बॉम्ब है, वो दिखाता है कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, अगर हो तो फिर ऊपर से मिसाइल अटैक कर देती हैं। अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है, यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे बाप रे, कुछ हो गया है उसकी मम्मी को, लियाला की मम्मी। सो क्यों गई है? प्लीज उन्हें उठाइए। मेरे ख्याल से यही रिजल्ट आया है, फैमिली यहाँ पे टूट चुकी है। लियाला की मम्मी को कुछ हो गया, मुझे पता है मर चुकी है। भागो लियाला, भागो लियाला यहाँ से। लेकिन मम्मी, पहले भागो, वो ठीक है। और यहाँ पर बाप और बेटी अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं, यहाँ तक कि जो आखिरी अंतिम संस्कार होता है ना माँ का, वो भी सही ढंग से नहीं कर पाए। बच्ची को तो अभी कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है क्या है, लेकिन पिता को जरूर पता है कि क्या हुआ है यहाँ पे।
और अपने दर्द को छिपा के हाल फिलहाल दोनों अपनी जान बचाने के लिए निकले हैं यहाँ से। पूरा शहर नष्ट खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी जब हमने शुरू किया था तो कितना बढ़िया लग रहा था सब, भले 3-4 स्क्रीन ही आई थी लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्क्रीन भरी हुई थी। और अभी हालात ये हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा है और जो आकाश के तारे हैं वो उनसे ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों बाप बेटी निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, जो शेडोज ऑफ वार की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर इन दोनों का सर्वाइवल, पर पता नहीं स्टोरी क्या एंड लेगी, किस तरह से लेगी। लियाला लियाला जल्दी भागो, मम्मी को क्या हुआ? उनकी चिंता मत करो, वो ठीक है। फिर से बच्ची के मन में, लियाला के मन में बार बार सवाल उठ रहे हैं। देखो पापा, बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल यहां पर। यहाँ पर बच्चे अपनी अंदाज में हैं भाई। मैं कहूँगा बच्ची को, क्या कहूँ लियाला को यार, कि हमें यहाँ से जाना चाहिए कि केयरफुल रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा हमें यहाँ से जाना चाहिए। और ये देखिए, ये लड़ाई सिर्फ आकाश पे नहीं रही है, पानी में भी आ चुकी है, बच्चों के ऊपर मुझे लग रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ है? पूरी तरह से मैं शौक हूँ कि भाई साहब स्टोरी में जो मुड़ाव आया है बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे खेल रहे थे बीच पे और उन्हें बम से या मिसाइल से उड़ा दिया है नेवी ने, और ये किसी देश का झंडा है, ऐसा तक सेफ्टी हो सकता है हमारे लिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रुकने को, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा रुकने को। पानी, अरे बाप रे, एयरफोर्स, अरे बाप रे, अगर हम गए होते अंदर तो हम दोनों बाप बेटी यहाँ पर मर गए होते। स्टोरी अभी भी कंटिन्यू है यहाँ पर। लियाला तुम ठीक तो हो ना? लियाला मेरे हाथ दुख रहे हैं, मुझे चोट लगी हुई है। डैडी ये मेरा स्कूल था। लियाला का ये स्कूल था, और ये देखिए आगे हमें एम्बुलेंस मिली है। एम्बुलेंस, हे भगवान, अब हम लोग बच जाएंगे। बहुत खुश हो गए हैं पिताजी लियाला के। अब वो चाह रहे हैं सीधे एम्बुलेंस की तरफ। अब इसमें थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करेंगे मेरे ख्याल से, और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। दरवाज़ा खुल गया है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे अपनी बेटी को। अरे यार, एक ही पेशेंट को ले जा सकती है? अरे ये क्या स्टोरी है, इसका ध्यान रखना। चिंता मत करो तुम, हम अपना बेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बाप और बेटी अलग हो चुके हैं। अरे बाप रे, ये क्या रिस्पांस लाया है गेम ने भाई। बाप बेटी को फिर से मिलना पड़ा है, लेकिन बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है लियाला। इस वक्त एम्बुलेंस में बैठी थी, एम्बुलेंस में से निकल के बाहर गिरी है। एयरफोर्स ने फिर से अटैक किया है यहाँ पर, और लियाला यहाँ पर मर तो नहीं गई है। द शेडोज ऑफ वार हमेशा ख़राब ही रहते हैं, खास करके उनके लिए जिनको सहना पड़ता है। बाहर बैठी पब्लिक तो मज़े लेती है। और ये क्या हो रहा है, क्या ये इसकी आत्मा है, क्या इसका सोल है ये लियाला का? अरे आत्मा वो बन गई है, सिर्फ और सिर्फ यादों में रह गई है लियाला। कितनी बार ना स्कूल बची, ना इसके दोस्त बचे, ना इसकी माँ बची, ना, और ये देखिए माँ और बेटी आसमान में, जो कहते हैं ना कि धरती के ऊपर भी मरने के बाद भी जिंदगी होती है, वहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर लियाला मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है। और भी देखिए शेडोज ऑफ वॉर का असर देखिए, आज दुनिया में इतनी जाने गई है, इस गेम में इतनी जाने गई है कि आसमान आज भर चुका होगा, जन्नत आज भर चुकी होगी, और साथ ही साथ हेल भी, नर्क भी भर गया होगा। ये देखिए कहाँ जा रही है स्टोरी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है स्टोरी कहाँ पर टर्न ले रही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था यार कि मैंने अच्छा हुआ ना बोला और बच्चों के साथ खेलती लियाला तो मर जाती वहीं पे। ये देखिए गाजा के ऊपर 2014 की बात है, 51वां दिन चल रहा है और गाजा के ऊपर अटैक हुआ है। मोर देन
2100 से ज़्यादा पैलेस्टियंस मारे गए थे यूनाइटेड नेशंस ने जो बताया है वो। उसके अलावा उनमें से 1500 सिविलियन थे, 538 बच्चे, 253 माएँ औरतें मारी गई थी, 11000 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें से ज़्यादातर सिविलियंस थे, 3106 बच्चे, 1970 औरतें और 368 लोग उम्र वाले थे। अरे बाप रे यार, 1000 से ज़्यादा बच्चे ज़िंदगी भर के लिए कुछ ना कुछ कमी हो गई उनके शरीर में, आँखों से, पैरों में, हाथों में, सांसों की तकलीफ। 22000 होम्स ऐसे थे जो हमेशा के लिए आधे टूट गए या तो फिर पूरी तरह से ख़त्म हो गए। 108000 लोगों को अपनी जगहें, अपना घर, अपना शहर, अपना देश तो नहीं लेकिन काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ी। 28 स्कूलें ख़त्म हो गई, जैसा कि हमने देखा भी कि लियाला की स्कूल भी ख़त्म हो चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए, यानी जो जो भी गवर्नमेंट ने बनाया था, अच्छा किया था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ओ वाइट फॉस्फोरस करके एक आती है चीज़ जिससे वॉर क्राइम किया जाता है, उसका भी यूज़ किया गया था। 8 हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे अटैक किया गया, ये चीज़ सबसे ख़राब यार। कमज़ोर लोगों पे ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। 20 एम्बुलेंस उड़ा दी गई हैं, जैसा कि हमने देखा कि लियाला जो मरी है वो इसीलिए मरी है क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर अटैक हुई है। यहाँ तक कि CUN की स्कूलों पे भी अटैक हुआ है 24 और 30 जुलाई को, और 32 लोग मारे गए हैं उस अटैक में, उनमें से 9 बच्चे हैं। अब भाई ये स्टोरी क्या है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अरे गाजा सिटी बीच पर जब 16 जुलाई को बच्चे खेल रहे थे तब मारे गए थे 4 बच्चे, अहद बैकर 10 साल, इस्माइल बैकर 9 साल, जकरिया बैकर 10 साल और मोहम्मद बैकर 11 साल। कोई गलती नहीं थी इनकी, खेल रहे थे वो तो, जैसा कि हर छोटा बच्चा हम अपनी मस्ती में अपने अंदाज में खेलता है। लेकिन यही असर होता है वॉर का, यही परिणाम होता है वॉर का। और ये थी लियाला, मैं सॉरी इसको लियाला बोल रहा था, लेकिन लियाला है द शेडोज ऑफ वॉर की कहानी। डायरेक्शन और इन सब के बारे में आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, लेकिन ये स्टोरी में अगर देखें तो मेन मकसद डेवलपर का यही था कि दिखाना था दुनिया को इस गेम के थ्रू कि क्या कुछ सहना पड़ता है लोगों को, आम इंसानों को जिनको कुछ पता ही नहीं है लड़ाई का। उनको तो ये पता ही नहीं है कि बॉर्डर पे किस लिए पब्लिक लड़ रही है, अंदर का मामला क्या है, सारी गवर्नमेंट का खेल होता है। और बिल्कुल सही समय पे आया है ये, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय पे आया है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत कमेंट आती है, भाई सीरियसली कह रहा हूँ, भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। गेम बंद हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों, लेकिन ये था हमारा गेम प्ले यहाँ पे लियाला द शैडोज ऑफ वार। बहुत कुछ कह गया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लो जितने लोग मरे हैं, जितने लोगों को तकलीफ हुई है, उनमें से कितने गवर्नमेंट के लोग हैं, कितने पावरफुल लोगों का नाम है, बहुत ही कम। मोस्टली सिविलियंस को ही नुकसान हुआ है, मोस्टली स्कूल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, गवर्नमेंट का भाई कुछ नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। वो लोग सरकार में थे, नहीं है, कल फिर आ जाएंगे। भुगतना इंसान को ही पड़ेगा, आम इंसानों को। तो इसी के साथ इस गेम प्ले को करते हैं समाप्त और लेते हैं आप लोगों से विदा। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अननेसेसरी के वीडियोस, अननेसेसरी के पेजेस को फॉलो करना पढ़ना छोड़िए, लाइफ को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।